कार में पकड़ो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन के समय उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक सेवा सप्ताह मना रही है, और उस सेवा सप्ताह के अंतर्गत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कैंप लगा रहे हैं समाज की सेवा के लिए। और आप इधर आओ, लाइव चल रहा है बेटा, समाज की सेवा के लिए कैंप लगा रहे हैं। और यहाँ भी एक कैंप लगा हुआ आँखों का, तो देखते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं। उसी संदर्भ में हम आए हैं। कैंप के बारे में कुछ बताएंगे? कैंप के बारे में बहुत अच्छा चल रहा है जी। मैं अभी आया हूँ, पर्चियाँ खत्म हो गई। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर बुखारी का डॉक्टर तो सारिका श्रीवास्तव है। और कोई भी डॉक्टर है यहाँ पे? और भी है कोई डॉक्टर? और तो मेरे ख्याल से नहीं है, शायद एक डॉक्टर है तो भाई नाम पता नहीं। कौन डॉक्टर है यहाँ पे? पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। आप जानते हैं इनको? ये तो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जिले की। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ये डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं ये? अगली लिखा तो हो गई डॉक्टर। हाँ जी, सारिका चैरिटेबल। आइए आइए, देखते हैं देखते हैं। ये कैंप आप लगा रहे हैं? कौन है आयोजक यहाँ पे? ये देखिए कैंप लगा हुआ है यहाँ पे आँखों का, आँखों से संबंधित। और ये मोदी जी के जन्मदिन आप देख रहे हैं, मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर भी होंगे, उन डॉक्टर से मिलना चाहेंगे। आइए जी, डॉक्टर कौन है यहाँ पे? आप डॉक्टर हैं? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। डॉक्टर हैं? हाँ जी। हाँ, कार्ड होगा आपका? हाँ, कार्ड घर पर है। पर आपको अभी यहाँ पे एंट्री किसने दी है? मीडिया से है? नहीं, नहीं मीडिया से जब तक हम एंट्री नहीं देंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आप कहाँ से डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर कहाँ से हैं? आप पूछने वाले कौन है? दूसरी चीज डॉक्टर कौन है? हाँ, डॉक्टर मैं हूँ। आप प्लीज आप बाहर बैठो। नहीं, एक मिनट, बुलाना उसको, बुलाना। नो, एक मिनट भैया, इधर आने, इनको बाहर बुलाना। हाँ जी, कार्ड आपका मीडिया को आप, हाँ कार्ड, एक सेकंड। आप डॉक्टर हैं? देखिए जी, हमारा जो प्रोफेशन है ना, उसमें हम चेकअप करते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्ड आप, एक मिनट, इनका मीडिया को बंद कर, एक सेकंड, मीडिया को बंद नहीं करा सकते आप। आपका कार्ड, आप आए क्या? आप यहाँ पर तो नहीं, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए ना। आपका कार्ड, कार्ड में आप बाहर आइए। आपका कार्ड चाहिए? डॉक्टर है कार्ड आपका? एक सेकंड, एक सेकंड। आप डॉक्टर हैं? ऑप्टोम। जोर से बोलिए। ऑप्टोम है? ऑप्टोम। नहीं नहीं, आप एक सेकंड, आप एक सेकंड, बंद कर सकते हैं मैम, आप कैमरा बंद करिए। क्या फ्रॉड हो रहा है? आप डॉक्टर हैं जी? दिखाइए, ऑप्टोमेट्रिस्ट नॉट डॉक्टर। ऑप्टोमेट्रिस्ट नॉट डॉक्टर। नो, आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ऑप्टोमेट्रिस्ट चेक द पेशेंट। आप आराम से बात करिए। यस आई हैव, कार्ड दिखाइए आप अपना। आई हैव टू शो योर कार्ड। आप कार्ड दिखाइए ना। सर सर, इतना सुबह से चल रहा है, आपने यहाँ पर कार्ड दिखाइए, आप कार्ड दिखाइए, आप कार्ड दिखाइए। एक सेकंड, आप ये यहाँ पर क्या ये प्रेस से हूँ? हाँ जी, प्रेस कहीं नहीं जा सकती है। नहीं तो प्रेस ऐसे नहीं है, आप पब्लिक यहाँ पर आकर, यहाँ पर अगर अगर पेशेंट के साथ कोई भी, अगर लोगों के साथ कोई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कार्ड दिखाइए, आप प्रेमिसेस में, हाँ आप बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए। आप जैसे हमें आपको नहीं लगा सकते, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख, मेरे को हाथ नहीं लगा सकते। आप लोगों के साथ नाटक कर रहे हैं, आप लोगों के साथ
पे रिक्वेस्ट मैंने दिखा दिया।
क्या हूँ मैं, पेशेंट हूँ मैं तो। आप झोला छाप सड़क के डॉक्टर को अपनी आगे दिखाइए। अगले जांच कर रहे हैं ना आप, जांच कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। इंटरनेट चलाते हैं? मेरा क्या लेंगे ये? हाँ सब चलाते हैं। एक डाली है अमेंडमेंट 2020 ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अरे यार मेरे से लेंगे क्या ये? मैं कानून की भाषा में बात कर रहा हूँ। मेरी आगे चेक चेक करेंगे। मैं कानून की भाषा में बात कर रहा हूँ। बाकी तो हमें क्या मर्जी है की लोगों में भाषा में बात कर रहा हूँ। मेरे को जांच, मैं कानूनन पूछ रहा हूँ आपसे। कानून मेरे को नहीं करना यहाँ पे, मतलब मैं कानून करने नहीं आया हूँ। मैं कानून करने नहीं आया यहाँ पे, मैं अपनी आंखें चेक करवाने आया हूँ। दवाई जा सकती है ना, दवाई थोड़ा सा। डॉक्टर के मायने जानते हैं जी, डॉक्टर कौन होता है? नहीं देखिए ये सिंपल सवाल है, आप मुझे बोल जी। दो मैटर हैं जी, एक तो मेरे हिसाब से अच्छा कॉज हो रहा है, सोशल कॉज हो रहा है। एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुको। अब डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। हाँ, वही किया मैंने तो। अभी ये हंगामा करने का फायदा है? हंगामा बोलो, आप सिंपल से क्या करो, अगर उनके पास सबूत नहीं है, हमने सिर्फ कार्ड मांगा कि आप अपना, आप मेरे से क्या कहेंगे भाई साहब, अपना कार्ड दिखाइए। आप मेरी ऑथेंटिसिटी जांचने के लिए क्या कहेंगे, कार्ड दिखाइए। मैं फौरन जेब से निकाल के आपको अपना कार्ड दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? पता क्या है, एक सोशल मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? अगर मैं फेक होऊंगा तो क्या करूंगा? आपके पास है, मैं फेक होऊंगा तो क्या करूंगा? लेकिन इसको
होगा तो क्या करूंगा आप? बिल्कुल मैं फेक होगा तो नहीं नहीं, नहीं एक आप अच्छा सुनो ना आप सर, मैंने सवाल पूछा मैं फेक होगा उसका आंसर ही दे रहा हूँ ना। आपने कोई क्वेश्चन करा सर मैं फेक होगा तो क्या करूंगा? कोई बात नहीं, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो ना। मैं फेक होगा तो कार्ड दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? अगर कोई मैं कार्ड नहीं दिखा रहा आपको, आप मेरी कंप्लेंट करो। तो यहाँ पे हंगामा नहीं कर रहे, यहाँ पे हंगामा करना हमारा काम नहीं है, जागरूक करना जनता को, जागरूक करना हमारा काम है। और जनता को जागरूक करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दिया आप आए, आपने मेरे सवाल का जवाब, मेरे पास आपके सवाल के चार जवाब है। पहले दे दूं आप एक मिनट, पहला जवाब दे दूं आपको। मैडम ये जो मैटर है ना, अभी क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर आप पत्रकार जरूर है, लेकिन लेकिन सुनना भी सीखो। आपने कहा कोई भी पत्रकारों का नहीं सुनेंगे नहीं हमारे। आपने कहा कोई भी दे सकता? अरे सर जी आप पत्रकार है लेकिन सुनेंगे तो। आपने कहा कोई भी दे सकता? नहीं, हमने ये बोला कि वो जो दे रहे हैं वो एक्सपर्ट है, वो उनका आईस टेस्ट के दिखाया तो आपको जरूरी आपको दिखाएंगे। आपके पास क्या, आपके पास क्या वो है? नहीं नहीं, आपके आपके पास क्या है? ऑथराइज्ड है आप? ऑथराइज्ड है आप? ऑथराइज्ड है क्या? ऑथराइजेशन आप दिखाइए, मैं आपको दिखाऊं कोई प्रूफ। एक मिनट, आप शोर मत मचाइए। आप शोर मचा रहे इतनी देर से, आपने आके यहाँ पर सारा माहौल खराब कर दिया। आपने आके अंदर बदतमीजी करी, आप कर रहे हैं आके शोर। एक आम मरीज, आप शोर मचा रहे हैं, आप मेरे को मत बोलिए शोर मचा रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं बहुत देर से। सॉरी मैम, एक्सक्यूज बत्तमी जी, अरे रुको मैम, बत्तमी जी नहीं कर रहे। एक मरीज का क्या दिखा रहे हैं बता सकते हैं? ये कोई बात नहीं, चलो चलो। अरे कोई भी पुलिस को लेकर एक मिनट मैं बहन जी जानती है अच्छे तरीके से, मैं मंडल का प्रभारी हूँ जी, तो मैं उससे तो मैंने मंडल पे बीजेपी वगैरह वाली बात की, यहाँ पार्टी वाली पार्टी वाला नहीं, कोई पार्टी का काम नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या करें सर? सर आप आए हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहे, सवाल पूछने हैं तो बोलने भी नहीं दे रहे उनको। बोल ये इनको बोलने भी नहीं दे रहे, ये किसी मरीज इन्होंने मंदिर को बंद कर दिया है। एक मिनट दिखाइए कितने लोग अंदर हैं, अंधेरा हो रहा है, लाइट गई हुई है और अंदर लाइट पंखा नहीं चल रहा और अंदर इन्होंने बंद कर लिया है सबको, सबको बंद कर लिया है इन्होंने, इन्होंने सबको बंद कर लिया है। और ये किसी को बाहर भी नहीं आने दे रहे, किसी से सवाल भी नहीं पूछने दे रहे और उल्टा मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। ये डाक पर सारिका से, इस पर सारिका को दिखाओ, ये है सारिका। कहते ही दरवाजा खोल लिया गया, कहते ही दरवाजा खोल लिया गया। पेशेंट से तो पूछो कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं है। हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा? किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है? मैंने आपसे सर कुछ पूछा सर? मैंने आप बेकार में बोले जा रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा? किसी को प्रॉब्लम है क्या अंदर सर? ये पूछे ना, किसी को प्रॉब्लम है सर? मैंने आपसे कुछ पूछा यार, क्या कर रहे हो आप? मैंने आपसे कुछ पूछा? ये ये सर ये पत्रकारिता नहीं है, ये पत्रकारिता। आप कुछ और, अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में कैसे डॉक्टर चेक कर सकता है? अंधेरे में डॉक्टर कैसे चेक कर सकता है? लाइट अभी गई है,
आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया लाइट, आधा घंटा हो गया लाइट गई है, आधे घंटे से सब अंदर हैं। आप कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं ना, वही कर रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, करिए, बहुत छोटी सी बात है, बोलिए। अब इसको वाइंड अप, ये चैलेंज, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करिए आप मुझे, ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं, करिए, कर दिया ना चैलेंज, करिए। आप प्रूव करोगे लोगों को प्रॉब्लम है, प्रूव करो। मैं आपसे एक सवाल पूछा है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। वो इस डॉक्टर, वो इस डॉक्टर, ये कह रहे हैं कुछ और का मतलब क्या होता है? पब्लिक क्या करेगी मुझे? ये कह रहे हैं पब्लिक मुझे कुछ करे, क्या करेगी पब्लिक? आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल दोगे? नहीं, मैंने डाल रहा, आपने कहा पब्लिक कुछ करे, मैं कह रहा हूँ पब्लिक। भाई पब्लिक कौन सी है जो मेरे खिलाफ चलना चाहती है? ये दिखाइए, दिखाइए, उन्होंने बैनर फाड़ा, दिखाइए बैनर। पब्लिक कौन सी पब्लिक है जो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती है? सामने आ जाए भाई साहब, इन भाई साहब ने कहा, इधर दिखाइए। हाँ मैंने कहा, सामने कहा पब्लिक मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहती है। मैं पब्लिक को जगाने आया हूँ और पब्लिक को जगा रहा हूँ, और ये कह रहे हैं सुनोगे थोड़ा सा, पब्लिक मेरे खिलाफ, कौन सी पब्लिक है जो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती है? सब जानते हैं, अगर बोल चुके तो सुनोगे थोड़ा सा? मैं तो आ रहा हूँ बाहर, मैं प्लीज, दिखाइए दिखाइए, ये श्रीवास्तव को दिखाइए, श्रीवास्तव को, ये है नहीं किया। और एक मैडम थी जो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है, आप आपने डॉक्टर, सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर लिखिए, लिख देंगे, लिखिए सोशल वर्कर, नहीं लिखा हुआ, डॉक्टर लिखा हुआ है। तो डॉक्टर है ना, नहीं है डॉक्टर, आई हैव अ डिग्री कोर्स इन फॉर योर डिग्री कोर्स, एक मिनट, डिग्री लेके घूमे, मैं पर्स में, मैं बताऊं क्या है, एमडी, एक सेकंड, हु आर यू, मीडिया, मीडिया पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकते हैं। जेलसी बोल चुकी है और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं पर ये कहीं पे खड़ी ना हो जाए और मेरे अगर, लेकिन मैं आप सबको ये पार्टी को बीच में ला रही है, अपने कुकर्मों के बीच में पार्टी को ला रही है, कोई नहीं है, मैं यहाँ पे सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हूँ। आप कितने पैसे दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी जेलसी दिखा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेलसी दिखा रही है, इन्होंने अपने हस्बैंड को बेचा है, ये कोई रिपोर्टर नहीं है, ये सब आप लोग जानती हैं। एक्सक्यूज मी, पैसे देंगे मुझे? ये कह रहे हैं मैं पैसे लेके आया हूँ, आप कितने पैसे देंगे? मैं तो यहाँ फ्री में दिखाने आया हूँ, आप कितने पैसे देंगे? मैं यहाँ फ्री में दिखाने आया हूँ, आप पहले से ही बहुत ले रखे हैं, आप पैसे लेके आए हो यहाँ पे, आप इल्जाम लगा सकते हो, आप पे कोई लगा सकते हो, आप क्या बता, पैसे लेके आए हो यार, क्या पैसे लेके आए हो, आप प्रूव कर सकते हो आप पैसे लेके नहीं आए? मेरे को यही लग रहा है, बेकार की बात है, यही लग रहा है, हम आपको एक रुपया भी नहीं देंगे, हम आपको एक रुपया नहीं देंगे, आपकी एक रुपए की वैल्यू नहीं है, बोले जा रहे हो यार, बोले जा रहे हो बेकार में, अब आपका आप बोले जा रहे हो, आप अकेले सारे गलते, आप ही सही हो, आप इस टाइम लगा के लाए हो, क्या बातें कर रहे हो आप? मैनेजिंग यार मंदिर, दिखाओ जरा क्या कह रहे हो, क्या हुआ? यहाँ उसको किस प्रकार से परमिशन दी, ये मंदिर के प्रशासन को मालूम होगा और ये मंदिर के लोगों को मालूम होगा, उन्होंने बिना डॉक्टर की डिग्री के किसी को परमिशन कैसे दी बिना पेपर देखे हुए कैंप लगाने की? आँखों का मामला है, और आँखों के मामले में अगर किसी की आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या उसके लिए मंदिर प्रशासन जिम्मेदार होगा?
इस सवाल का जवाब किसी से नहीं। अपने को डॉक्टर कह रही थी, वो अपने पेपर नहीं दिखा पाई और वो मंदिर बंद करके भाग गई, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो एक जाली डॉक्टर है, डुप्लीकेट डॉक्टर है। अगर मेरी बात गलत है तो उसने अपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाए? डॉक्टर फ्रॉड है। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप लोग डर क्यों रहे हैं? नहीं, आप सवाल दिया ना क्या? आप डर क्यों रहे हैं? आप जवाब की बात कर रहे हैं? कौन? अरे यार आप लोग जाओ, छोड़ो, हम लोग भी जा रहे हैं। चलो देखा, सब लोग जो है किसी के पास डॉक्टर के ऊपर जवाब नहीं है। मंदिर बंद करके भाग चुके हैं सभी लोग यहाँ से, और आप जनता हैं, आप जानते हैं बंद करके कौन भागता है। बंद करके हमेशा डरपोक लोग भागते हैं, डुप्लीकेट लोग भागते हैं। अगर वो ओरिजिनल होती तो मेरे मुंह पर डिग्री फेंक के मारती। उधर दिखाओ, वो खड़े हुए, वो सेक्रेटरी कह रहे थे अपने को, ये जो अंकल खड़े हुए चश्मे वाले, ये मंदिर का पंडित जी, आप मंदिर के कौन है? बोलो, एक मिनट, मंदिर के कौन है आप? पुजारी हैं। पुजारी है, ये इसका जो सर्वे कौन है? मंदिर गली है। नहीं, गली है। कल को मंदिर किसके कहने से दिया गया इनको? गली वालों कहने से। अगर मंदिर में किसी के साथ अनहोनी हो जाए? ये भाई आपकी बीजेपी की, दोनों की छोटी सी बात समझिए सर, कोई दवाई डाली इसमें आँख में? भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप जवाब नहीं देते? तो मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ आपसे। ये दवाई डाली? मोबाइल है? हाँ जी है। गूगल है? हैगा। उसमें सर्च करिए अमेंडमेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2020। अच्छा। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को आँखों से संबंधित एक फ्रेम किसी को देने तक की जो है जिम्मेदारी, वो अधिकार नहीं है। अच्छा। बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के। अच्छा। मैं नहीं कह रहा, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, ठीक है जी। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा। अरे तो बात सुनिए ना, आप कह रहे हैं तो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बताइए, करिए आप लोग, आपका राइट। आप पढ़े लिखे हैं? एक मिनट, आप करिए। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, रहता हूँ। कोई भी मीडिया क्या पुलिस के पास जाता है सीधा? तो फिर आप यहाँ पर आके हल्ला तो ना मचाइए ना। काम ही है हल्ला मचाना, बात खोलना। हल्ला तो नहीं मचाना? तो हटा दिया ना सब? क्यों? आप नहीं, डुप्लीकेट कुछ नहीं था। तो आपने यहाँ पर इतना ज्यादा? हाँ तो मैं तो मरीज हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ। जानकारी नहीं है? क्या नहीं जानकारी है? किस मामले? आपको सारी मामले की जानकारी है? बताइए आप डिग्री। MD BOT, यानी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होता है जो पैरा मेडिकल के अंतर्गत आता है, जो प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में आता है। अच्छा। जो उनकी डिग्री है जो डॉक्टर लगाने के लायक नहीं है। अच्छा। दूसरा, उन्होंने अपने कार्ड पे लिखा हुआ है FCLI। अच्छा। फेलोशिप होती है जो कि एक स्टूडेंट को 6 महीने के लिए जैसे वजीफा मिलता है ऐसे मिलती है। अच्छा। नॉट डिग्री। अच्छा। आप मुझे कुछ चैलेंज कर रहे हैं, आप मेरे सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे। आप क्यों पक्ष ले रहे हैं? तो पक्ष तो कुछ ले नहीं रहा, तो खत्म हो गया ना। चले अब तो कहे ना, सब खत्म हो गया। मानिए ना कि आप गलत। अरे मैं क्यों गलत हूँ? आप क्यों पक्ष ले रहे हैं? मैं क्यों गलत हूँ? तो आप यहाँ शोर ना मचाइए हमारी गली में आके। क्यों? गली में तो अकेली तो आपकी नहीं है। तो आपने तो अंदर आके भी मचाया था शोर। कौन यहाँ पर आके? आप शोर मत मचाइए, आप आराम से बात। अगर मैं आपको चोर 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 चिल्लाऊंगा, मान लो तो चोर हो आप। शोर जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अपना प्रेस
लेकिन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव और उनकी टीम क्यों, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए डिग्री नहीं थी। धन्यवाद।